अटूट संपत्ति, अर्थात एक बार इंसान अपने जीवन काल में संपत्तिवान हो जाए अथवा वो जन्म ले सकता है किसी धनाढ्य परिवार में, उसके हाथ से संपत्ति, ऐसी स्थिति प्रायः लोगों के जीवन काल में आती है जब वो दिवालिया हो जाया करते हैं। लेकिन इस योग के होने से कम जातक के जीवन काल में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती, वो दिवालिया नहीं होता। ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती कि अपना वो सब कुछ गंवाकर दाने दाने को मोहताज हो जाए। ऐसी स्थिति उसके जीवन काल में कभी नहीं आती है। कैसे होता है ये योग? तो ज्योतिष शास्त्र कहता है इसके लिए आप अपने जन्म कुंडली के दो मुख्य भावों को देखिए, लग्न को और नवम को। लग्नपति बलवान अवस्था में हो और बलवान होकर के केंद्र में बैठे हो और साथ ही साथ नवमेश स्वगृही हो, अथवा लग्नपति बलवान होकर के कहीं भी बैठे हो। अब कहीं भी का मतलब त्रिक भावों में वो बलि तो होने से रहे, तो त्रिक भावों में न बैठे हो। लेकिन अगर बात वृषभ, शुक्र और मंगल की आए तो ये दोनों के दोनों छठवें और आठवें भाव में भी स्वगृही होते हैं, तो यहां पर इनको कोई दोष नहीं लगेगा। अगर आप शुक्र लग्न से प्रभावित अथवा मंगल के लग्न से प्रभावित हैं तो आपके कुंडली में लग्नेश छठवें आठवें में भी हों तो यह सूत्र आपके ऊपर लागू होगा कि लग्नपति बली अवस्था में हो और भाग्येश स्वगृही उच्च के या मूल त्रिकोणी हो। बेहतर तो यह हो कि लग्नेश बली अवस्था में हो और भाग्येश भाग्य भाव में बैठे हों, तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में अटूट संपदा का मालिक बनता है। अटूट, यहां शब्द ध्यान रखिएगा, अटूट अर्थात चंचला लक्ष्मी भी उसका साथ नहीं छोड़ती, उसके जीवन काल में धन की स्थिति यथावत बनी रहती है। तो क्या यह योग आपकी जन्म कुंडली में है? अगर है तो कम से कम आप अपने जीवन काल में दिवालिया नहीं होंगे।